हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो, खुशहाल हो और सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे हों। तो मैं हूँ अनीता और आज मैं मसूर की काले वाली दाल बना रही हूँ। तो कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि आप मसूर की काले वाली दाल की रेसिपी शेयर करें हमारे साथ, तो आज आपकी ही रिक्वेस्ट में मैंने मसूर की काले वाली दाल जो होती है उसकी रेसिपी शेयर की है। तो आज मैंने घर में दाल बनाई है जबकि मैंने दाल को उबाल लिया, फिर मैंने सोचा चले आपके साथ में इसका तड़का शेयर कर देती हूँ। तो मसूर की जो काली दाल होती है कुछ इस तरह से होती है। तो आप हमेशा जब भी बाजार से लेके आए मसूर की दाल, दो जो है क्वालिटी में आपको मिलेगी। एक तो मोटे वाली होती है जिसको मलका मसूर बोला जाता है और एक बारीक वाली होती है जिसको देसी मसूर बोली जाती है। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा आती है बारीक वाली देसी मसूर, जिसको मैंने उबाल लिया है और उबालने के लिए इसमें कुछ भी झंझट नहीं किया है। आप कोई भी बाउल गिलासी कुछ भी ले, उसका 5 गुना पानी आप दाल में डाल लें और 2-3 सीटी लगा लें, बाकी डिपेंड करता है कुकर की सीटी के, कुकर की क्वालिटी के ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ तक दाल उबाल लेनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली है, बाकी आप चाहे सब कुछ स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही दाल को उबाल भी सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमें बाद में डालना है। तो मैंने दाल में तड़के के लिए यहाँ पे एक बड़े से साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा सा लहसुन काट लिया और 2 मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च ले ली है, 4 मैंने जो कम तीखी होते हैं हरी मिर्च को बीच में से कट कर लिया थोड़े से लंबे लंबे पीसेज में, क्योंकि बच्चे खाएंगे ताकि छोंकने के बाद, तड़का लगाने के बाद मैं इनको निकाल सकूँ। तो बड़े से टमाटर ले लिया, छोटे छोटे पीस में मैंने यहाँ पे कट कर लिया है कुछ इस तरह से। तो चलिए दाल में तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दाल में तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पे तेल डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पर जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छी तरीके से चटक जाने देते हैं, जब तक इसे चटकने की आवाज़ ना आने दें जब तक हमें जीरा यहाँ पे भून लेना है। तो जैसे ही जीरा हमारे यहाँ पे चटक जाएगा, यहाँ पे 2 चुटकी के करीब हींग डालेंगे। हींग का टेस्ट हर सब्जी में, दाल में, कढ़ी में, साग वगैरह बनाते बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जैसे ही चटक गया है हमारा हींग भी और जीरा भी, मैंने यहाँ पे डाल दी है 2 सूखी मिर्च। दाल का तड़का लगा रहे हो तो मिर्च डालना तो बनता ही है, ज़रूर डालें आप मिर्च, मिर्च का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है दाल में। तो इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें से मुझे 1 मिर्च निकालनी है बाद में गार्निश के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 मिर्च डाली है। अब यहाँ पे जो हमने लहसुन और प्याज काटे थे उनको भी डाल दिया है। अच्छा फ्राई होने तक इनको भून लेते हो और ये मैंने 1 मिर्च निकाल लिया है, मुझे बाद में दाल को गार्निश करना है। तो जैसे ही जीरा जो हमारा तड़का है गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, बहुत तेज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे डाल देंगे कश्मीरी मिर्च या फिर आप देखी मिर्च जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा सा उसको भून लेंगे। साथ में बाद में डाल दिया है मैंने यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर को अब हमें जब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, तो टमाटर को पकने में ओनली 2 से 3 मिनट लगेगी। तो आप इन टमाटर को थोड़ा सा ढककर पकाएं और ढकने से पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर हल्दी, हल्दी हमने पहले भी यूज़ की है, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच नमक हमने पहले यूज़ किया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला देंगे, थोड़ी सी मिर्च को डालते हुए। मिर्च मैंने यहाँ पे पहले भी यूज़ की है, तड़के में भी यूज़ की है और हरी मिर्च को भी मैंने यूज़ किया है। तो दाल हमारी अच्छी खासी जो है तीखी बन चुकी है, तो ज़्यादा मिर्च का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक कर इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। टमाटर जो है गल चुके हैं, पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और जो तेल होता है इनमें वो भी सेपरेट होने लगा है। तो 1 मिनट के लिए और टमाटर को लगातार चलाते हुए इनको मैश कर लेंगे। हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। हरी मिर्च हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं, अगर हम पहले डालते तो हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाता और बहुत ज़्यादा गल जाती, तो हरी मिर्च को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर भी हरी मिर्च गल जाएगी। और 1 मिनट के लिए हरी मिर्च डालने के बाद फिर से इनको पका लेते हैं। अब हमारा मसाला बनकर एकदम तैयार हो चुका है दाल फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा इनको चला लेते हैं और यहाँ पे दाल को डाल देते हैं। आप याद रहे कि दाल आपने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, यहाँ पे हमें दाल को अब ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है ताकि दाल में मसालों का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छे से आ जाए, मसाले इसमें मिक्स हो जाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सी हमारी दाल बने। कुछ 1 ही मिनट के बाद ये देखिए जो हमने मसाले डाले हैं दाल में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो चुके हैं और जो तेल था वो जो है सेपरेट होके ऊपर आने लगा है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारी जो दाल फ्राई होके तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो चलिए दाल तो हमारी बन गई है,
अब इसको सर्व भी कर देते हैं। तो सर्व करने के लिए हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और अच्छे से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं ताकि दाल देखने में बहुत अच्छी लगे खाने वालों को। तो मैंने सर्विंग बाउल में जो है दाल को निकाल लिया है, और आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले और ऐड कर सकते हो अगर आप स्पाइसी या गर्म मसाला खाने के शौकीन हो। आप धनिया भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, और थोड़ा बहुत गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही यम्मी सी, टेस्टी सी, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप इनको चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या फिर आप नान के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।